हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सखी गार्डन। तो देखिए, ये मैंने किस क्या मंगाया है। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने गोभी की पौध मंगाई है। ये मैंने किसी को बोला था, एक्चुअली मैंने लगाने थे अपने गार्डन में। तो ये मेरी गोभी की पौध आ गई है। अब मैं इसको उसमें शिफ्ट करूँगी। शिफ्ट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो गोभी में तो आप जानते हैं ये विंटर सीजन की वेजिटेबल है। तो इसको देखती हूँ हमारे यहाँ लगती है या नहीं लगती है। तो फ्रेंड ठीक है, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो आप सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना किया करें। यार पता है बहुत मुश्किल में वीडियो बनती है, बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। उसके बावजूद भी मैं आप सबके साथ में कोई ना कोई वीडियो लेके आती रहती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड, जब मैं इनको शिफ्ट कर देती हूँ तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। तो फाइनली देख लीजिए, मैंने गोभी की पौध लगा दी है। एक्चुअली जगह ज़्यादा नहीं बची ना हमारे पास, तो मैंने जगह जगह जिस जगह मुझे जगह खाली मिली वहाँ मैंने शिफ्ट कर दी है। अब देखते हैं कितना लगती है कितना नहीं लगती है ये। और मैंने पानी भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और कल का तो मैंने दिखाया ही था आपको, जो मैंने ये शिफ्ट किए हुए हैं। तो मैंने इतनी जगह ये गोभी की पौध शिफ्ट कर दी है। मैंने अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाला हुआ है। मैं सोच रही हूँ ना कि शाम को इसमें पानी लगा दूँ, क्योंकि ज़मीन थोड़ा सा सूखी हो रही है। क्योंकि कल आई थी, उससे पहले मेरा आना नहीं हो पाया था, तो वही मैं सोच रही हूँ। और मैंने आज कुछ बीज भी कलेक्ट किए हैं। तो ये गुलाब बांस के मैंने कर लिए हैं, और अपरास्ता हमारे पास वाइट है और ब्लू दोनों ही हैं। ये देखिए, ये वाइट है और वो हमारी ब्लू है। तो कुछ इसमें सीड्स थे, वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ और मैंने कहाँ स्टोर करके रखे हैं। तो ये देख लीजिए, ये मेरी छोटी सी थैली है, तो इसी में मैंने ये देखिए ये रख दिए हैं। दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको, ब्लैक वाले हैं गुलाब बांस के, और ये फली जैसी है ना, ये मैंने अपरास्ता की डाल के रख दी हैं। और फिर जो है ना पकेंगी तो फिर और कलेक्ट करके रख दूंगी। तो इसी तरीके से मैं रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ। वैसे भी हमारे अपरास्ता के तो ख़त्म नहीं होते हैं अभी, तो चलो विंटर सीजन आ रहा है तो डोरमेट में चले जाएंगे ये। उसके बाद में मैं इसकी छटाई कर देती हूँ, तो दोबारा फिर से जो है ना उसी में ग्रो हो जाते हैं। और वैसे भी साइड साइड से देखिए, मैं दीवार के किनारे किनारे फिर मैं इसकी सीड डाल देती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं दीवार पर चढ़ाना। वो सारी बेल दीवार पे चढ़ जाती है ना। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और पहले तो हमारे जो हमारे डक के बच्चे थे ना, उन्होंने सारे ख़राब कर दिए थे, अब वो चले गए हैं। तो फाइनली देखिए हमारा गार्डन सब अच्छा होगा अगर मंकी ना आए तो। मंकी और चूहे से अगर बच जाते हैं तो हमारा गार्डन बहुत ही अच्छा होगा। और जब बड़े हो जाएंगे ना प्लांट, तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कल तो मैंने मेडिसिन वगैरह फिर से डाली हुई है। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ। और ये देखिए हमारे ब्रंजल में ये एक फ्लावर आ रहा है। पहले इसमें बहुत सी चींटियाँ हो गई थी और बहुत से बैक्टीरिया लगे हुए थे, मैंने दवाई डाल दी है ना, तो अब सब ठीक हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, फिर आपके साथ मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सखी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय।